लेकिन जिसे मालूम है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए तो एक एक लम्हा यूं समझिए कि पोटेंशियली हमारी इस जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अबदी है, इसलिए कि इस लम्हे का नतीजा जो निकलने वाला है वो उस जिंदगी में निकलेगा जो अबदी है। तो नतीजे के एतबार से हमारी ये दुनियावी जिंदगी अबदी है, लिहाजा इसका एक एक लम्हा कीमती है। इसमें कौन सा वक्त होगा जो लग्व के हवाले किया जा सके, जो लग्व में पसंद किया जा सके। ये इराद अल लग्व जिसको हुजूर ने फरमाया है कि मिन हुस्निल इस्लाम अल मरए तर्कहु मा ला यानी, एक इंसान के इस्लाम की खूबी यह भी है कि हर उस चीज को छोड़ दे जो ला यानी है, जिसका कोई फायदा नहीं। हमारा जो वक्त भी यहां है या तो हमारी जरूरियात में सर्फ होना चाहिए, मसलन इस्तराहत नींद आराम, ये हमारी इस जिंदगी की एक जरूरत है, इंसान उसको उसमें लगा रहा है, ये अपने नफ्स का अपने जिस्म का हक है जो दे रहा है। फिर अपने जिस्म के तकाजे हैं, पेट खाने को मांगता है, औलाद की परवरिश है, माश की जिद्दोजहद में जो वक्त लग रहा है वो भी यकीनन एक जरूरत का वक्त है, उसके अंदर सर्फ हो रहा है। इसके अलावा जो वक्त बचता है अब उसको सर्फ होना चाहिए, जैसे कि हदीस में आता है कि एक मरतबा इंसान कहता है सुभान अल्लाह तो जन्नत में उसके लिए गोया कि एक बीज बनकर एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा और परवान चढ़ाएगा अल्लाह ताला उन दरख्तों को। और जब ये लोग जन्नती दाखिल होंगे जन्नत में तो हैरान हो जाएंगे हमारे आमाल इतने तो नहीं थे, तो अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हारे आमाल की परवरिश करता रहा हूं, परवान चढ़ाता रहा हूं, ये जो है आमाल तुम्हारे यहां पर परवान चढ़ते रहे। एक एक मरतबा का कहना सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये दर हकीकत जन्नत में अपने लिए एक दरख्त लगवाने के मुतरादिफ है। लिहाजा वक्त कहां रह जाएगा बेकार जाय करने को, किसी ऐसे काम में ताश खेला जा रहा है। लग्व जो है हराम काम को नहीं कहते, जिन लोगों के ये औसाह बयान हो रहे हैं वो किसी हराम काम में किसी मासियत में उनका उनका जो है मुलविस होना, उसको वो तो गोया के एक खारिज बहस शय है। असल शय क्या लग्व है, हराम तो नहीं है लेकिन यह कि बेकार है, न उससे दुनिया की कोई जरूरत पूरी हो रही है न आखिरत का कोई नफा हासिल हो रहा है। तो काम वक्त जो है उसको सर्फ होना चाहिए या दुनिया की किसी जरूरत के पूरे होने में, और या फिर आखिरत के लिए कोई इंसान अपने अजर व सवाब के लिए कोई काम कर रहा हो। दर हकीकत इन दोनों को अब आपस में जोड़ लीजिए एरोज के साथ कि ये जो है वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन वल्लज़ीन हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुशफिकून इन अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामूल, इसका जो नतीजा इंसान के किरदार में निकलेगा उसका एक पहलू जो है वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वे मुरिदून में बयान कर दिया गया। अगरचे ये एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आई है लेकिन ये खला जो है इस तौर से पुर हो रहा है।